ईटन का ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। फौजी बनेंगे, एक गर्व से कहता था फौजी बनेंगे, कोई कोई बात होती फौजी बनेंगे। आप क्या अग्निवीर बनेंगे? अग्निपथ योजना भी नरेंद्र मोदी को वापस लेनी पड़ेगी। क्या हालत बना दी है देश की, ये नरेंद्र मोदी जी की नीति सिर्फ उसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। अग्निपथ को लेकर पूरा देश जल रहा है और बिहार से लेकर ये आग, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली के भजनपुरा हो और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर ये हिंसा हुई, यानी साफ तौर पर इसको हिंसा कहा जाता है और कहा जा रहा है कि ये जो आगजनी की गई, ये कहीं ना कहीं देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन जिस तरीके से इस पर जो है तमाम तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और विपक्ष साफ तौर पर सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है, इसी मुद्दे पे हमने कांग्रेस नेता से बातचीत की है, वो अंश देखते हैं। अग्निपथ को लेकर पूरे देश जल रहा है, कांग्रेस पार्टी क्यों इसको समर्थन कर रही है, क्योंकि छात्रों का आंदोलन है ना? देखिए, छात्रों का आंदोलन और छात्र देश के हैं, तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन इन छात्रों का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन छात्रों के साथ हमेशा खड़ी है। अग्निपथ योजना को नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से कभी 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं, कभी 15 लाख आएंगे ये वादा करते हैं, उसी तरीके से ये भी इनका एक जुमला है। जो सामान्य प्रक्रिया चल रही थी 2014 से भी भर्तियां हो रही थी, उस सामान्य प्रक्रिया को चलने दीजिए। आप 2 साल से सेना की भर्ती नहीं निकालेंगे, जो व्यक्ति 4-4 साल से जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके तो भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप कह रहे हैं 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, आपने देखा 23 साल में रिटायरमेंट, जब आपके पास जब लड़के की शादी क्या है कि भाई यहाँ भूतपूर्व फौजी है, भूतपूर्व रिटायरमेंट है 23 साल में। क्या हालत बना दी है देश की, ये नरेंद्र मोदी जी की नीति सिर्फ उसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन बात करें अगर यूपी गवर्नमेंट तो कह रही है ना, ऐसी कई गवर्नमेंट है जो बीजेपी के अंडर चल रही है, जो कह रही है आप आइए रिटायरमेंट के बाद हम आपको नौकरी देंगे। सर अभी एक मैंने देख रहा था बीजेपी के एक नेता है, उनका बयान आया कि आप आइए जब 23 साल हो जाएंगे उसके बाद हम आपको बीजेपी के जो गार्ड लगेंगे बीजेपी कार्यालय पे, उनको हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, सबसे पहले हम बीजेपी कार्यालय पे उनको सिक्योरिटी के लिए। आप ये बताइए जो नौकरी करके आएंगे उनको बीजेपी कार्यालय के सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे? ये गुलामी का प्रतीक बनाना चाह रहे हैं एक युवाओं को। पुलिस में भी तो बात हो रही है ना भर्ती की, किसमें पुलिस में भी तो बात हो रही है कि आपको हम सीआरपीएफ में भर्ती। मेरा कहना बस ये है कि देखो जो सामान्य प्रक्रिया चल रही है आप उसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? जब एक रिटायरमेंट की उम्र है उसके बाद आप रिटायरमेंट कीजिए, पेंशन के पहले 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अब 9 रैंक 9 पेंशन है, कुछ नहीं। युवा आपदा में अवसर ढूंढ नहीं रहे लग रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए पहले वक्त से पहले जॉब मिल गई, ये भी तो फायदा है ना कहीं ना कहीं। देखिए जॉब है, बात बात फिर आती है, जो जॉब पुरानी जो भर्तियां खाली हैं उन्हीं को नहीं भर पा रहे हैं, नई भर्तियां तो जुमले हैं। इनका हर बार क्या होता है, जब देखिए किसान कानून लेके आए, नोटबंदी लेके आए, GST लेके आए, CNRC लेके आए, सभी ऐसे कानून थे जिसमें देश की जनता को जान गंवानी पड़ी। नोटबंदी में गंवानी पड़ी, CNRC में, किसान आंदोलन में किसानों को गंवानी पड़ी, तमाम ऐसे आंदोलन हैं जिसमें देश की जनता को जान गंवानी पड़ी। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी होश में आने वाले नहीं हैं। जब तक तमाम युवा, तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, सत्याग्रह जो जिस तरीके से कांग्रेस करती है उस तरीके से आंदोलन करें, जरूर इस सरकार को जरूर सुनेगी और ये अग्निपथ इनको वापस लेने पड़ेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा था किसान कानून वापस लेने पड़ेंगे, इसी तरीके से अग्निपथ योजना भी नरेंद्र मोदी को वापस लेनी पड़ेगी। अग्निपथ नाम कैसा लग रहा है आपको, अभी तक पिक्चर का नाम होता था? देखिए पिक्चर का नाम यही तो, वही ना दिखावा ब्रांड, जैसे कल हमारे नेता कन्हैया कुमार जी ने भी कहा कि ये बस जुमलेबाजी है, लॉलीपॉप है, सेल एंड ब्रांड का बस खेल है कि खरीदिए खरीदिए। अब देखिए जवानों को फौज की नौकरी, पहले आदमी कहता था फौजी बनेंगे, एक गर्व से कहता था फौजी बनेंगे, कोई बात होती फौजी बनेंगे, आप क्या अग्निवीर बनेंगे। आप एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, बस एक बेच रहे हैं, जैसे किसी लॉलीपॉप को बेचते हैं, कोई कपड़ा बेचते हैं कि नहीं आप आइए इसमें ये टर्म एंड कंडीशन है, इसमें ये ऑफर है, डाटा प्लान बना दिया मोबाइल का आपने फौज की नौकरी को। मैं ये भी जानना चाहूंगा, सरकार ने अब ये कह दिया है कि 4 साल की नौकरी 5 साल के लिए कर दे रहे हैं, हम पैसे भी बढ़ा दिए, पेंशन भी बढ़ा दिए, जो लास्ट में मिलता है वो अमाउंट भी ज्यादा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं फायदा सरकार इसका जवाब दे, जो 23 साल के बाद ये रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद क्या? उसके बाद कोई सरकार के पास जवाब नहीं है कि हम इसमें भर्ती दे देंगे, इसमें दे देंगे। जब इतनी भर्ती देनी है तो लगातार प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं कर देते, उसी को आगे बढ़ा दें। आप पर आरोप लगा है कि कांग्रेस जो है उन लोगों को भड़का रही है। देखिए
वही वाली बात, जब कांग्रेस भड़काने की बात करें, अगर कांग्रेस ही लोग कांग्रेस की बात मानते तो आज कांग्रेस सत्ता में होती, ये सत्ता में नहीं होते। कांग्रेस की बात अगर लोग मानते तो कांग्रेस सत्ता में होती। तूल तो दे रहे हैं ना सर, तूल नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हम लोग पक्ष में हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी, तमाम हमारे कांग्रेस नेता, अभी भी सत्याग्रह चल रहा है जंतर मंतर पर इसी पक्ष में कि अग्निपथ जो योजना है इसको निरस्त करे, और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इस अग्निपथ योजना का विरोध लगातार कर रहे हैं। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्या कहें? बिल्कुल, मैंने फिर वही कहा कि नोटबंदी हुई, CNRC हुई, किसान कानून हुए, तमाम लोगों ने जान गंवाई, और इसमें भी लोग जान गंवा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। इतने आंदोलन के बाद रद्द कर देनी चाहिए भर्तियां, आनी तो कल करना उनको वही है। बात ये, आप जनता इस मुद्दे पर भी बात करे, मीडिया इस मुद्दे पर भी बात करे कि किसान कानून आया, 3 कानून लाए, रद्द कर दिए गए, ठीक है। लेकिन रद्द करने के बाद वो तो कानून लाए गलत थे, हो गया, लेकिन नया क्या मिला? कुछ नहीं। अभी भर्ती आएंगी, ये भी रद्द कर दी जाएंगी, नरेंद्र वापस लेंगे, नहीं भर्तियाँ शुरू नहीं होंगी। अब जनता को किस लिए घुस किया जाएगा, नौजवान को, कि भर्ती हमने वापस ले लिया, लेकिन नया क्या हुआ उसके बाद? ऊपर कुछ नहीं, कानून गिनाया जो वापस लिया, ऐसे कई कानून बनाए, 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, 3 तलाक पे काम किया, ये भी तो कानून करिए ना। सरकार इस पे ठोकती है अपना सीना, सरकार इस पे अपना सीना से ठोकती है। जब जब देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, उत्पीड़न, अन्याय, इन पर बात होती है तो सरकार राम मंदिर, 370 हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, नमाज, लाउड स्पीकर, क्या क्या पता नहीं, उल्टी सीधी बातों पे लग जाती है। आप बताइए, देश के अंदर जब एक व्यक्ति बयान देता है तो भड़काऊ कहलाता है, लेकिन जब इन्हीं की नेता नुपुर शर्मा बयान देती हैं तो क्या उन्हें बस पार्टी से निकाला जाता है? लेकिन अभी दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? गिरफ्तारी नहीं हुई। महाराष्ट्र पुलिस जब गिरफ्तारी करने आई तो नुपुर शर्मा भाग गई, क्या है, मिल ही नहीं रहा है ना सर, कह रहे कार्रवाई, भाग गई। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे, मोदी जी तो खुद मुसलमान के साथ पले बढ़े, उन्होंने कहा मेरा अब्बास दोस्त था मेरे घर में, मैं भी ढूंढ रहा हूँ सब, पूरा जो हमारी कांग्रेस पार्टी अब्बास को ढूंढ रही है, अब्बास कहाँ है? नरेंद्र मोदी जवाब दें, अब्बास कहाँ है? वो तो बचपन का दोस्त था ना, उनके घर पे आया था, वो कह रहे हैं कि कोई पापा जी लेके आए, कोई पापा जी लेके आए। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं ना, अरब के जो देश है जब विरोध करने लगे तो इनको अब्बास भी याद आएगा, भी फैजान भी याद आएगा, सब अकबर मुगल वगल सब याद आएंगे। नहीं लगता आपको अब्बास जो था मोदी जी के बहुत करीब था? नहीं, लोग तो ये तक कह रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी तो नहीं थे। अच्छा, ये ऐसे अफवाह उड़ रही है, लेकिन ये सब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का कोई साथी हो सकता है, दोस्त हो सकता है। अब आज राहुल गांधी जी का बर्थडे है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जन्मदिन छोड़ के उस तरफ ध्यान देना, बिल्कुल सड़कों पे संघर्ष, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उनकी गलत नीतियां, उनके खिलाफ सड़कों पे संघर्ष जारी रहेगा। जन्मदिन को हम इसी तरीके से मनाएंगे, जनता के बीच जाके, छात्रों के बीच जाके। लेकिन वो जो दम था, जैसे अगर बात करें जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी आती थी और दिखाई देती थी, कई ऐसे लीडर थे जो रोड पे दिखाई देते थे, लोगों के बीच जाते थे, कांग्रेस से कोई ऐसा लीडर दिखाई नहीं दे रहा। सब सड़कों पे हैं, केसी वेणुगोपाल जी, तमाम प्रदीप नारवाल जी, सब लोग सड़कों पे हैं, सब सड़कों पे आकर लड़ाई लड़ रहे हैं, हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, हाथरस की दलित बेटी की लड़ाई लड़ी, आगरा में वाल्मीकि लड़के की जब हत्या हुई कस्टडी में तो लड़ाई ली, अखलाक के लिए लड़ाई लड़ी, जहाँ इमरान प्रतापगढ़ी जा रहे हैं मुस्लिम मामले, जहाँ उत्पीड़न हो रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी जा रहे हैं, हर वर्ग के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दो ही है ना आपके पास, देखिए चेहरे जो है, सब नेता हैं, कन्हैया कुमार अलग नेता है, जिग्नेश मेवानी दलितों के नेता हैं, प्रदीप नरवाल दलितों के नेता हैं, इमरान प्रतापगढ़ी अपने नेता हैं, हर वर्ग के लिए, हर समूह की बात होती है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे कांग्रेस से मरते हुए नजर आती है। देखिए अब कहते हैं कांग्रेस, जब कांग्रेस की आप बात करते हैं, कांग्रेस के अंदर हर वर्ग को साथ लेने के, कांग्रेस सिर्फ एक झंडे की पार्टी नहीं, कांग्रेस का झंडा सिर्फ एक है कि देश का झंडा, जो तिरंगा झंडा है वही कांग्रेस का, जो कांग्रेस का वो संविधान है, वो देश का संविधान लागू करना ही कांग्रेस की मान्यता है। आपने सुना किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। द इंडिया टीवी के लिए जंतर मंतर से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।